जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरी वरदारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरी वरदारी, यशोदा नंदन भज जन नंदन, यशोदा नंदन भज जन नंदन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरा वन चारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरि वरदारी, यशोदा नंदन भज जन रंजन, यशोदा नंदन भज जन रंजन, यमुना तीरा वन चारी, यमुना तीरा वन चारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, Thank you.
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तेर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये हरे कृष्ण टेक्स्ट 14 कियान भुवोयम् शपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूले अष्टादश अक्षौणिकैर्मदंशे हास्ते बलं दुर्विशं यदूना वट वट कियान व्हाट इज दिस भुवः ऑफ द अर्थ अयम दिस शपित अबेटेड उरु वेरी ग्रेट बारह बर्डन यत विच द्रोण द्रोण भीष्म भीष्म अर्जुन अर्जुन भीम भीम मूले विद द हेल्प अष्टादश 18 अक्षौणिकः फैलिंक्सन्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ मत अंशे विथ माय डिसेंडेंट्स
आस्ते आर स्टिल देयर बलम ग्रेट स्ट्रेंथ दुर्विषम अनबेरेबल यदु नाम ऑफ द यदु डायनेस्टी. ट्रांसलेशन: आफ्टर द एंड ऑफ द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र द लॉर्ड सेड द अबेटमेंट ऑफ द अर्थ्स ग्रेट बर्डन 18 अक्षौणीस हैज नाउ बीन इफेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द्रोण भीष्म अर्जुन एंड भीमा. बट वॉट इज दिस? There is still the great strength of the Yadu dynasty born of myself, which is more, which may be more unbearable burden. तो यहाँ पे हैं उद्धव जी विदुर को बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के रणभूमि के बाद कृष्ण सोच रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का रणभूमि तो समाप्त हो गया और द्रोण भीष्म अर्जुन और भीम के वजह से 18 अक्षौणी सेनाओं का अंत हो गया, तो धरती का भार कम हो गया. पर अभी भी यदुकुल बचा है और यदुकुल इतना शक्तिशाली है, वो अपना भार डाल रहा है धरती पे. इसलिए भगवान सोच रहे हैं अभी यदुकुल का भी अंत होना चाहिए, उनका भी लीला की समाप्ति होनी चाहिए. परपोट: इट इज अ रॉन्ग थियरी दैट ड्यू टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन द वर्ल्ड बिकम्स ओवरबर्डन एंड देयरफॉर देयर आर वॉर्स एंड अदर एनिहिलेटिंग प्रोसेसेस. तो लोगों का ये धारणा रहता है कि पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन जो है जनसंख्या, उसके वजह से धरती सहन नहीं कर पाएगा जो लोगों का बोझा है. पर प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं जो ओवर पॉपुलेशन है धरती के लिए प्रॉब्लम नहीं है. द अर्थ इज नेवर ओवरबर्डन्ड, धरती कभी ज्यादा बोझा नहीं होता लोगों की संख्या से. द हेवीएस्ट माउंटेन्स एंड ओशंस on the face of the earth hold more living entities than there are human beings and they are not overburdened. तो हमको मनुष्यों की संख्या के बारे में चिंता है, मनुष्यों का ओवर पॉपुलेशन हो रहा है. पर एक्चुअली प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे समुद्र में जितने जीव जंतु हैं वो कहीं ज्यादा हैं, मनुष्यों से ज्यादा. इसलिए धरती पर्वतों का बोझा ले सकती है, समुद्र का बोझा ले सकती है, तो निश्चित रूप से मनुष्यों का भी बोझा ले सकती है. इफ अ सेंसस वर टेकन ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सर्टनली इट वुड बी फाउंड दैट द नंबर ऑफ ह्यूमंस इज नॉट इवन 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लिविंग बीइंग्स. तो प्रभुपाद देखिए तात्पर्य में कितना प्रैक्टिकल चीज लिख रहे हैं, वेरी साइंटिफिक. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर हम स्टैटिस्टिक्स लेंगे, सेंसस लेंगे, कितने सारे जीव जंतु हैं अभी के समय पर धरती पे, तो मनुष्यों का जो संख्या है 5% भी नहीं रहेगा, 5% भी नहीं रहेगा. तो हमको इनके ओवर पॉपुलेशन के बारे में चिंता है, पर धरती में इतने सारे जीव जंतु हैं. इफ द बर्थ रेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इज इंक्रीजिंग देन द बर्थ रेट ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स इज इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनेटली. तो अगर मनुष्य का जो संख्या बढ़ रहा है उसका मतलब बाकी जीव जंतु का भी संख्या बढ़ रहा है. The birth rate of lower animals, bees, aquatics, birds, etc., is far greater than that of human beings. बाकी जो जीव जंतु हैं, जब बच्चे उत्पन्न करते हैं बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न करते हैं, तो उनका संख्या और ज्यादा बढ़ता है मनुष्यों से. There is an adequate arrangement for food for all the living beings all over the earth by the order of the Supreme Lord, and he can arrange more and more. If there is actually a disproportionate increase of living beings, तो धरती के पास क्षमता है लोगों को खाना देने में, जो उनकी जरूरत है वो देने के लिए धरती के पास क्षमता है. जितने भी जीव जंतु रहेंगे धरती के पास क्षमता है, क्योंकि भगवान ने धरती को यह क्षमता दिया है. Therefore, there is no question of an increase in population causing a burden. इसलिए हमको जनसंख्या के बारे में चिंता नहीं करना है, वो चिंता भगवान का है कि नहीं. तो बहुत बार लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है जब हम लोगों को बोलते हैं अरे शाकाहारी बन जाओ, मांस मच्छी छोड़ दो, तो लोगों का ये एक रीजन रहता है अगर हम मच्छी नहीं खाएंगे, फिश नहीं खाएंगे, तो उनका संख्या बढ़ता रहेगा, धरती कैसे हैंडल करेगा. तो ये अलग अलग एक्सक्यूज है, पर प्रॉपर यहां पर बता रहे हैं हमको ये विश्वास होनी चाहिए जनसंख्या बढ़ने से समस्या नहीं है. राधानाथ स्वामी महाराज का एक सुंदर कोट है, महाराज बोलते हैं द प्रॉब्लम इज नॉट ओवर पॉपुलेशन, समस्या ज्यादा जनसंख्या नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज
व्हाट द पॉपुलेशन इज डूइंग, प्रॉब्लम है कि जो जनसंख्या है क्या कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो धरती को बोझा लोगों की संख्या से नहीं होता, धरती को बोझा होता है जब लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, तब धरती को बोझा होता है। अब प्रॉपर तो विषय समझाएंगे अभी। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन कॉजिंग अ बर्डन, द अर्थ बिकेम ओवरबर्डन ड्यू टू धर्म ग्लानी और इरेगुलर डिस्चार्ज ऑफ द लॉज डिजायर। तो धरती को बोझा कब होता है, जब जो जनसंख्या है भगवान की भक्ति नहीं करते, धर्म ग्लानी, धर्म को छोड़ के अधर्म के मार्ग पे चलते हैं, तभी धरती को बोझा होता है। द लॉर्ड अपियर्ड ऑन द अर्थ टू कर्व द इंक्रीज इन मिस्क्रियंस एंड नॉट द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एज इट इज रॉन्गली पुट फॉरवर्ड बाय द मंडेन इकोनॉमिस्ट। तो ये प्रॉपर ये जो चीज बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो समाज है ऐसे ही सोचते हैं, लोगों को लगता है कि दिस बिकम अ कॉमन अफेयर। लोगों को लगता है ये कोरोना वायरस जैसा पीड़ा होनी चाहिए, युद्ध होना चाहिए, ताकि समय के अनुसार लोगों का संख्या घटे। तो लोग ये बोलते हैं भगवान कृष्ण आए थे, कुरुक्षेत्र का रणभूमि कराया ताकि लोगों की संख्या को घटा सके, तो वो कारण नहीं है। भगवान युद्ध करते हैं किसके लिए, जो असुर हैं उनका संख्या घटाने के लिए। When Lord Krishna appeared, there had been a sufficient increase in miscreants who had violated the desire of the Lord. जैसे एक पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम नहीं तराजू, you know, दो साइड में वेट्स होते हैं। तो जब जो ये दुनिया में नियम है, भक्त भी होते हैं और अभक्त भी होते हैं, देवता भी होते हैं और असुर भी होते हैं। जब असुरों का संख्या बढ़ता है तब कृष्ण आते हैं वो बैलेंस को ठीक रखने के लिए, इक्वल रखने के लिए। तो प्रभुपाद वही चीज बता रहे हैं, द मटीरियल क्रिएशन इज मेंट फॉर फुलफिलिंग द डिजायर ऑफ द लॉर्ड एंड हिज डिजायर इज दैट द कंडीशन सोल्स हु आर अनफिट टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड हैव अ चांस टू इंप्रूव देयर कंडीशंस फॉर एंटरिंग। तो ये सृष्टि के निर्माण का एक ही कारण है। कारण क्या है, हम सबको भगवान के इच्छा के अनुसार मोड़ने का प्रयास, ट्राइंग टू रिफॉर्म अस। तो हम सब भगवान के इच्छा के विरुद्ध यहां पे भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, और भगवान आते हैं सृष्टि का निर्माण करते हैं, अवतार के रूप में आते हैं ताकि हम सबको और एक अवसर मिले। बार बार अवसर दे रहे हैं ताकि हम सुधर जाएं और भगवत धाम वापस जाएं। द एंटायर प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक क्रिएशन इज इंटेंडेड जस्ट टू गिव अ चांस टू द कंडीशन सोल्स टू एंटर इन टू द किंगडम ऑफ गॉड and there is an adequate arrangement for their maintenance by the nature of the Lord. तो इस पूरे सृष्टि का निर्माण का एक ही हेतु है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं एक ही कारण के लिए करते हैं, ताकि लोगों को अवसर मिले भगवत धाम जाने के लिए। So this is the only purpose. तो ये मनुष्य जिंदगी खासकर ये एक प्रिपरेशन पीरियड है, ताकि हम प्रिपेयर करके ये जिंदगी के अंत में हम भगवत धाम प्रवेश करें। और इसके लिए हमारे जो भी जरूरत है, शारीरिक जरूरत, भगवान देखते हैं। तो ये हमको विश्वास होनी चाहिए, भगवान इतने सारे जीव जंतु हैं, इतने सारे पंक्षियां हैं, इतने सारे जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, हाथी हैं, वो तो संघर्ष नहीं करते, कितना मेहनत करते हैं अपना शरीर का पालन करने के लिए, भगवान देते हैं। कभी न्यूज़पेपर में हमने देखा है हाथी मर गया, खाना नहीं है, हाथी मर गया, कुत्ता मर गया, खाना नहीं मिला। कभी ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि भगवान अरेंजमेंट कर रहे हैं। पर हमको ये विश्वास नहीं है, हम इतना मेहनत करते हैं ये शरीर के पालन पोषण के लिए, पर भगवान की भक्ति के लिए हमको समय नहीं है। देयरफॉर ऑल्दो देयर मे बी अ ग्रेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इफ द पीपल आर एग्जैक्टली इन लाइन विद गॉड कॉन्शियसनेस एंड आर नॉट मिस्क्रियंस, सच अ बर्डन ऑन अर्थ इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर हर। तो हालांकि दुनिया में हो सकता है कि जनसंख्या बढ़ रहा है, पर अगर जो जनसंख्या है, जनता है, वो भगवान की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, करिषे वचनम तव, तो सुर जो भक्त हैं उनको सुर बोलते हैं और अभक्तों को असुर बोलते हैं। सुर का मतलब है जिनका सुर भगवान के सुर के साथ मिलता है, दे आर इन लाइन विद गॉड कॉन्शियसनेस, भगवान की इच्छा के अनुसार अपना कार्य चलाते हैं, अपना जिंदगी बिताते हैं,
गीता के अनुसार ऐसे व्यक्ति को सूर्य बोलते हैं या देवता बोलते हैं। धरती ऐसे लोगों की संख्या से कभी उसको बोझा नहीं होता, बल्कि उनको आनंद आता है। धरती को आनंद होता है क्योंकि सब लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ बर्डन, तो प्रॉपर बता रहे हैं, दो तरह के बोझा है। देयर इज बर्डन ऑफ बीस्ट एंड द बर्डन ऑफ लव। तो दो तरीके के बोझा है, एक जो बोझा जो कष्ट देता है, पीड़ा देता है, उसको बर्डन ऑफ बीस्ट बोलते हैं, और दूसरा है बर्डन ऑफ लव, प्रेम का बोझा। हमारे गौरांग गुरु ये उदाहरण देते हैं, अगर कोई आपको बोलेगा कि एक सूटकेस लेके जाओ, और ये सूटकेस में पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर हैं, ये सूटकेस लेके जाओ 10 किलोमीटर, तो कोई भी बोलेगा अरे मुझे नहीं करना है, कौन ये बोझा को उठाएगा, है कि नहीं? पर बोलेगा कोई ये सूटकेस में पत्थर है, पर ये सोने के पत्थर है, कोई भी व्यक्ति उठाएगा उसको, बोलेगा अरे बोझा है, चलेगा मैं हैंडल कर लूंगा बोझे को, क्योंकि उसका वैल्यू है। तो वैसे ही जब हमको किसी के प्रति प्रेम होता है, वो बोझा बोझा नहीं होता। ऐसा बच्चा है, माँ को रात भर सोने को नहीं देता, पर माँ नहीं सोचती अरे कितना तंग कर रहा है बच्चा, माँ बहुत प्रेम से कर रही है, तो इसको बोलते हैं बर्डन ऑफ लव। द बर्डन ऑफ बीस्ट इज अनबेरेबल, बट द बर्डन ऑफ लव इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर। तो जो बोझा कष्ट देता है, पीड़ा देता है, उसको सहन करना मुश्किल है, पर जो प्रेम का बोझा है हम लेना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर डिस्क्राइब्स द बर्डन ऑफ लव वेरी प्रैक्टिकली। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये जो प्रेम का बोझा है उसका बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। ही सेज दैट द बर्डन ऑफ द हस्बैंड ऑन द यंग वाइफ, द बर्डन ऑफ द चाइल्ड ऑन द लैप ऑफ द मदर, एंड द बर्डन ऑफ वेल्थ ऑन बिजनेसमैन, ऑल्दो एक्चुअली बर्डन्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस आर सोर्सेस ऑफ प्लेजर, एंड द एब्सेंस ऑफ सच बर्डनसम ऑब्जेक्ट्स, वन मे फील द बर्डन ऑफ सेपरेशन व्हिच इज हेवियर टू बेयर देन द एक्चुअल बर्डन ऑफ लव। तो एक्चुअली जैसा मैं बता रहा था, जो बिजनेसमैन है जब धन इकट्ठा करता है वो एक बोझा होता है, स्ट्रेस होता है कि नहीं? जिसके पास ज्यादा धन है उतना स्ट्रेस है, फिर भी वो लेता है और स्ट्रेस, क्योंकि उसमें एक आनंद है। माँ को जब बच्चे को उठाना पड़ता है, बच्चे का पालन पोषण करना पड़ता है, उसमें एक संघर्ष है कि नहीं? फिर भी बच्चे उत्पन्न करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें एक प्लेजर है, एक आनंद है। तो वैसे ही जब हमको किसी के प्रति प्रेम है, तब क्या होता है, वो चीज बोझा नहीं लगता, बल्कि वो चीज जब नहीं है तब बोझा लगता है। लेकिन अगर कोई बोलेगा अरे आपको पैसे क्यों चाहिए, ये पैसा का बोझा, बोलेगा नहीं मुझे ये बोझा चाहिए, पैसे के बिना व्यक्ति तड़प जाता है, वो सेपरेशन में और दर्द होता है। व्हेन लॉर्ड कृष्णा रिफर्ड टू द बर्डन ऑफ द यदु डायनेस्टी ऑन द अर्थ, ही रिफर्ड टू समथिंग डिफरेंट देन द बर्डन ऑफ बीस्ट। तो यहां पे हालांकि कृष्ण सोच रहे हैं अभी कुरुक्षेत्र रणभूमि में अटराक्षणी सेना समाप्त हो गए, अभी यदुकुल का भी समाप्ति होनी चाहिए, पर यदुकुल का तुलना कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जो योद्धा मर गए उनके समान नहीं है। यदुकुल भगवान के पार्षद है, भगवान के नित्य भक्त हैं, इसलिए प्रभुपाद यहां पे बता रहे हैं उसका तुलना अलग है। द लार्ज नंबर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स बॉर्न ऑफ लॉर्ड कृष्णा काउंटेड टू सम मिलियंस एंड वर सर्टेनली अ ग्रेट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ, बट बिकॉज ऑल ऑफ देम वर एक्सपेंशन ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ बाय हिज ट्रांसेंडेंटल प्लेनरी एक्सपेंशन, देयर वर ग्रेट सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर द अर्थ। तो भगवान के जो परिवार है, निजी परिवार, हमने लास्ट कल देखा था भगवान के स्वयं के ही पुत्र और पत्नियां और उनके पुत्र से जो पुत्र उत्पन्न हुए उनका ही संख्या लाखों में जाएगा, बाकी यदुकुल के बारे में क्या बोलना, इतने सारे यदुकुल मिलियंस। तो पर ये धरती के लिए बोझा नहीं था क्योंकि ये सब भगवान के अनन्य भक्त थे। विद द लॉर्ड रिफर्ड टू देम इन कनेक्शन विद द बर्डन ऑन द अर्थ, ही हैड इन माइंड देयर इमिनेंट डिसअपीयरेंस फ्रॉम द अर्थ। तो भगवान चाहते थे इनका भी अंत होना चाहिए, क्योंकि यदुकुल भगवान के पार्षद है, इतने शक्तिशाली हो गए कोई उनपे विजयी प्राप्त कर ही नहीं सकता था, और वो यहीं पे रहते थे शाश्वत काल तक। पर ये दुनिया का नियम है, जो आया है उसको जाना भी है,
तो भगवान चाहते थे कि यदुकुल का भी अंत हो, ये प्रकृति का नियम चलता रहना चाहिए। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ लॉर्ड कृष्णा वर इनकार्नेशन ऑफ डिफरेंट डेमिगॉड्स एंड दे वर टू डिसअपियर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ अलॉन्ग विद द लॉर्ड। तो देवता आए थे, जब ब्रह्मा जी जाते हैं धरती के साथ और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप आइए और धरती के बोझे को कम कीजिए, भगवान आते हैं पर भगवान देवताओं को भी बोलते हैं आप भी ये लीला में भाग लीजिए, और सब देवता यदुकुल में आते हैं। तो अभी कृष्ण लीला की समाप्ति हो रही है, ड्रामा समाप्त हो रहा है, तो अभी कृष्ण चाहते थे ये लोग भी अपने जगह वापस जाएं। When he referred to the unbearable heaviness on the earth in connection with the Yadu dynasty, he was referring to the burden of their separation. Srila Jiva Goswami confirms this inference. तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जब कृष्ण यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि यदुकुल का भी बोझा धरती को हो रहा है, तो इसलिए ये बोझा समाप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी प्रभुपाद वर्णन करते हैं ये जो बोझा है ये सेपरेशन विरह का बोझा है, क्योंकि धरती को इतने देर तक इन शुद्ध भक्तों का संग मिल रहा था, पर अभी धरती उनके विरह में सेपरेशन का जो बोझा है, हैवीनेस ड्यू टू सेपरेशन, बर्डन ऑफ सेपरेशन वो महसूस करने वाली है। तो उसके बारे में चिंतन करते हुए कृष्ण बता रहे हैं धरती को ये बोझा महसूस होगा, और भगवान का इच्छा था अभी यदुकुल की समाप्ति। तो एक्चुअली दो अध्याय पहले जब विदुर जी उद्धव को मिलते हैं, विदुर उद्धव को कृष्ण के बारे में और द्वारका के बारे में समाचार पूछ रहे हैं। विदुर को तब तक समाचार मिल चुका था कि यदुकुल का अंत हो गया, विदुर तो यात्रा पे निकल गए थे, कुरुक्षेत्र का भी रंगभूमि समाप्त हो गया, कुरुकुल भी नाश हो गया, यदुकुल भी समाप्त हो गया, विदुर को पता था। फिर भी वो उद्धव को पूछते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखा है उद्धव ने, वो उद्धव को पूछते हैं कृष्ण कैसे हैं, बलराम जी कैसे हैं, यदुकुल के सदस्य कैसे हैं। तो प्रश्न वही था, वो कृष्ण के बारे में यदुकुल के बारे में सुनना चाहते थे, पर उसके पहले उद्धव कृष्ण के सब लीलाओं का स्मरण करते हैं। तो ये भक्तों का भाव है, हमेशा सीक्वेंस में जाते हैं। हालांकि विदुर ने द्वारका के बारे में पूछा था, पर उद्धव जी प्रवचन कहां से शुरू करते हैं, कृष्ण के जन्म से संक्षेप में करते हैं, पर कृष्ण के जन्म से वृंदावन लीला, मथुरा लीला, हस्तिनापुर, बाद में द्वारका में कैसे यदुकुल का नाश होता है धीरे धीरे वर्णन करते हैं। टेक्स्ट 15, मितो यदैषां भविता विवादो मध्व अस्मादरात्म विलोचनानां नैसां व्यदोपाय इयां अतोन्यो मयि उद्यते अंतरातास्ते स्वयं स। वर्ड टू वर्ड, मितः वन अनदर यदा वेन एशाम ऑफ देम भविता विल टेक प्लेस विवादः क्वारल मधु आमद आमद इंटॉक्सिकेशन बाय ड्रिंकिंग आत्मारम आत्मार आत्मारम विलोचनानाम ऑफ देयर आईज बीइंग कॉपर रेड न नॉट एशाम ऑफ देम वद उपायः मीन्स ऑफ डिसअपीयरेंस इयाम लाइक दिस अतः बिसाइड्स दिस अन्यः अल्टरनेटिव मई ऑन मई उद्यते डिसअपीयरेंस अंतः धदते विल डिसअपीयर स्वयं देमसेल्व्स स्म सर्टेनली। ट्रांसलेशन, व्हेन दे क्वारल अमंग देमसेल्व्स इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटॉक्सिकेशन विद देयर आईज रेड लाइक कॉपर बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग मधु देन ओनली दे विल डिसअपीयर अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल On my disappearance, this incident will take place. तो ये कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण सोच रहे हैं ये सब विचार। तो उद्धव जी बता रहे हैं भगवान सोच रहे हैं जब यदुकुल इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली था कि कोई भी यदुकुल को समाप्त नहीं कर सकता था, इतने शक्तिशाली थे, क्योंकि भगवान के स्वयं के पार्षद स्वयं के अंश थे, कोई भी इनको पराजित नहीं कर सकता था। तो भगवान सोच रहे थे यदुकुल का समाप्ति कैसे होगा, जब यदुकुल के लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे, when they fight among each other,
एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे, और झगड़ा कब होगा? ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, मधु, मधु का मतलब है यहां पे वर्णन है नेक्टर, हनी, मधु या इंटॉक्सिकेशन, जब उसके साथ वो पी के जब नशे में रहेंगे, एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे, तब इन लोगों का अंत होगा। और कृष्ण यहां पे बता रहे हैं मेरा जो लीला समाप्ति के बाद इनका भी लीला की समाप्ति होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मधु का एक्चुअल और एक अर्थ है अहंकार, क्योंकि अहंकार भी मधु की तरह लगता है, जब लोग हमारा प्रशंसा करते हैं दैट इज ऑल्सो लाइक नेक्टर। श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते थे इस्कॉन को बाहर का शक्ति हरा नहीं सकता, बल इस्कॉन के सदस्य जब एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे तभी इस्कॉन का अंत होगा। तो वैसे यदुकुल इतना शक्तिशाली था कोई भी बाहर का सेना इनको हरा नहीं सकता था, पर भगवान का अरेंजमेंट था, उनके बीच युद्ध होता है और उनका समाप्ति होता है। परपोर्ट, द लॉर्ड एंड हिज एसोसिएट्स अपीयर एंड डिसअपीयर बाय द विल ऑफ द लॉर्ड। भगवान भी आते हैं अपने इच्छा अनुसार, और भगवान के पार्षद भी आते हैं, और उनका लीला की समाप्ति जो थिरोभाव भी भगवान की इच्छा अनुसार होता है। तो भगवान का इच्छा था यहां पे कि यदुकुल का समाप्ति होना चाहिए। दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ मटीरियल नेचर। तो हालांकि ऐसा प्रतीत होता है अरे यदुकुल के लोग भी साधारण लोगों की तरह मधु पी के एक दूसरे के साथ झगड़ा करके उनका समाप्ति हो गया, पर ऐसा ही वो दिखता है, वो हमारे आंखों के लिए एक ब्रह्म है। पर ये जो यदुकुल है भौतिक दुनिया के नियमों के अनुसार उनका जिंदगी नहीं चलता। नो वन वॉज एबल टू किल द फैमिली ऑफ द लॉर्ड, नॉर वॉज देर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ देयर नेचुरल डेथ बाई द लॉज ऑफ नेचर। इतने शक्तिशाली थे यदुकुल, कोई भी उनको समाप्त नहीं कर सकता था, और मृत्यु भी स्वयं से प्रकृति के नियम के अनुसार उनका अंत नहीं होता था। द ओनली मीन्स देयरफॉर फॉर देयर डिसअपीयरेंस वॉज टू मेक अ शो फाइट अमंग देमसेल्व्स एज इफ ब्रॉलिंग एंड इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू ड्रिंकिंग। तो अभी समाप्ति तो होना है, तो भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, एक सीन अरेंज करते हैं जिससे एक दूसरे के साथ इनका झगड़ा हो रहा है, पर ये फाइट क्या है? मेक शो फाइट, सिर्फ लोगों के लिए एक दिखावा है। जैसे कृष्ण जब उनका लीला की समाप्ति होती है, कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और एक शिकारी आके बाण चलाता है और कृष्ण के पैर पे आके लग जाता है, और कृष्ण की लीला की समाप्ति। पर ये सिर्फ मेक शो है, ये सिर्फ लोगों को ब्रह्म देने के लिए दृश्य है, पर भगवान सिर्फ चाहते थे उनका लीला की समाप्ति हो। द सो कॉल्ड फाइटिंग वुड ऑल्सो टेक प्लेस बाय द विल ऑफ द लॉर्ड, अदरवाइज देर वुड बी नो कॉज फॉर देयर फाइटिंग। तो भगवान की इच्छा के अनुसार इनके इनके साथ अभी झगड़ा हो रहा है। जस्ट एज अर्जुना वॉज मेड टू बी इल्यूजन्ड बाई फैमिली अफेक्शन एंड थस द भगवद गीता वॉज स्पोकन, सो द यदु डायनेस्टी वॉज मेड टू बी इंटॉक्सिकेटेड बाई द विल ऑफ द लॉर्ड एंड नथिंग मोर। तो हम देखते हैं कि अर्जुन भगवान के अनन्य भक्त हैं, वो कैसे मोह में आ सकते हैं, परिवार के प्रति आ सकते हैं, उनमें कैसे हो सकता है? पर भगवान का ये लीला था ताकि अर्जुन के माध्यम से लोगों को गीता मिले। वैसे हम देखते हैं परीक्षित महाराज जब वन में जाते हैं शिकार करने के लिए, उनको इतना प्यास लगता है, वो शमिक ऋषि के आश्रम में जाते हैं और वो देखते हैं कि शमिक ऋषि ध्यान में है, और परीक्षित को इतना गुस्सा आता है वो शमिक ऋषि के गले पे सर्प बांध देते हैं, मरा हुआ सर्प। कभी संभव है क्या? पहले तो परीक्षित जब उनके माँ के गर्भ में थे ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र का जो तेज है गर्मी है लाखों सूरज की तरह है, परीक्षित ने वो गर्मी सहन किया, उनको तभी प्यास नहीं हुआ। अभी थोड़ा प्यास लगा और उन्होंने जाके ये ऋषि के प्रति अपराध, कैसे संभव है? संभव नहीं है, भगवान का अरेंजमेंट है ताकि परीक्षित को श्राप मिले और लोगों को भागवतम मिले। तो वैसे ही भगवान का यहाँ पे अरेंजमेंट है कि यदुकुल का अंत होना चाहिए, इसलिए भगवान अरेंजमेंट कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ उनका युद्ध। द डिवोटीज एंड एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड आर कंप्लीटली सरेंडर्ड सोल्स। तो भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो पार्षद हैं, उन्होंने पूर्ण तरीके से भगवान का आश्रय लिया है, जो भी भगवान चाहते हैं वो तैयार। परीक्षित जब माँ के गर्भ में थे, भगवान का इच्छा था उनको बचना चाहिए, परीक्षित तैयार, स्वीकार किया उन्होंने। जब उनका अंत होना था, जब श्राप आया, परीक्षित ने उसको भी स्वीकार किया।
जो भगवान के भक्त हैं पूरी तरीके से शरणागत हैं। हम ये सैटरडे को हम ये लीला चर्चा करने वाले हैं जहाँ पे कृष्ण गोपियों का वस्त्र चुराते हैं। तो देखिए, गोपियाँ जब यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, उनका इच्छा था कि कृष्ण हमको पति के रूप में स्वीकार करने चाहिए, और कृष्ण उनके सब वस्त्र को चुरा लेते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ऐसे ही बाहर आ जाओ नग्नावस्था में। उस समय 5000 साल पहले गोपियों के अंदर बहुत संस्कार था, बहुत संस्कार वाली स्त्रियां थी, फिर भी कृष्ण के सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का पूरा आश्रय लिया है, कंप्लीट सरेंडर। थस दे आर ट्रांसेंडेंटल इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड एंड कैन बी यूज्ड इन एनी वे द लॉर्ड डिजायर्स। तो भक्त जो है भगवान के हाथ में एक निमित्त है, जैसे भगवान चाहेंगे वैसा करेंगे। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कृष्ण भीम को बोलते हैं तुम जाके चिल्लाओ अश्वत्थामा मर गया। तो भीम समझ जाता है क्या करना है। एक हाथी था जिसका नाम है अश्वत्थामा, भीम वो अश्वत्थामा को मार के जोर जोर से चिल्लाता है अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। क्योंकि भक्तों के अंदर ये भाव है जैसे भगवान इस्तेमाल करना चाहे वैसे वो अपने आप को दे देते हैं। द प्योर डिवोटीज ऑल्सो एंजॉय सच पैशंस ऑफ द लॉर्ड बिकॉज दे वॉन्ट टू सी हिम हैप्पी। तो भगवान के प्रसन्नता में भक्त खुश हैं। जब कृष्ण का जन्म होता है मथुरा में, देवकी और वसुदेव इतना कष्ट सहन करते हैं कृष्ण को जन्म देने के लिए, पर तुरंत कृष्ण वृंदावन चले जाते हैं और उसमें ही कृष्ण के विरह में देवकी और वसुदेव प्रसन्न है। क्योंकि जहां पे भगवान प्रसन्न वहां पे भक्त प्रसन्न। जब कृष्ण वृंदावन में रहकर वहां से मथुरा जाते हैं, वापस वृंदावन नहीं आते हैं, पर जो ब्रजवासियां उसमें भी प्रसन्न है। हालांकि दुख हो रहा है, विरह हो रहा है, फिर भी उसमें प्रसन्न है, क्योंकि जहां पे भगवान प्रसन्न है उसमें उनकी प्रसन्नता है। डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड नेवर असर्ट इंडिपेंडेंट इंडिविजुअलिटी, ऑन द कॉन्ट्ररी दे यूटिलाइज देयर इंडिविजुअलिटी इन परस्यूट ऑफ द डिजायर्स ऑफ द लॉर्ड एंड दिस कोऑपरेशन ऑफ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड मेक्स अ परफेक्ट सीन ऑफ द लॉर्ड्स पास्ट टाइम्स। तो भक्त मतलब पूरी तरीके के साथ भगवान के साथ कोऑपरेट करते हैं, कंपीट नहीं करते, दे कोऑपरेट विद द लॉर्ड। भगवान की इच्छा के अनुसार अपने इच्छाओं को मोड़ लेते हैं और इससे बहुत सुंदर एक वातावरण बनता है, वैकुंठ का वातावरण, गोलोक वृंदावन का वातावरण, जहां पे भक्त भगवान की इच्छाओं को समझते हुए अपने इच्छाओं को मोड़ते हैं। टेक्स्ट 16, एवं संचित्य भगवान स्वराजे स्थाप्य धर्मजम् नदयाम आस सुहृदा साधूनां वर्त्म दर्शयन्। वट एवं तस संचिंत्य थिंकिंग विद इन हिमसेल्फ भगवान द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड स्वराज्य इन हिज ओन किंगडम स्थाप्य इंस्टॉलिंग धर्मजम महाराज युधिष्ठिर नदयाम आश ग्लैडन सुरदह फ्रेंड्स साधु नाम ऑफ द सेंट्स वर्तम द पाथ दर्शयम बाय इंडिकेटिंग। ट्रांसलेशन, लॉर्ड श्री कृष्णा थस थिंकिंग टू हिमसेल्फ एस्टैब्लिश महाराज युधिष्ठिर इन द पोजिशन ऑफ द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू शो द आइडियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द पाथ ऑफ पायटी। ये सब कृष्ण सोच रहे हैं, तो उद्धव जी बता रहे हैं ऐसे कृष्ण सोच रहे हैं कि यदुकुल की समाप्ति होगी और कृष्ण युधिष्ठिर को स्थापित कर देते हैं पूरे दुनिया का सम्राट। इमेजिन कीजिए, उस समय कृष्ण भी थे द्वारका में और यदुकुल भी था। यदुकुल इतना शक्तिशाली जगह था, इतना शक्तिशाली कुल था, फिर भी यदुकुल के लोग युधिष्ठिर को प्रणाम करते थे। पूरे दुनिया में युधिष्ठिर का साम्राज्य था। तो क्योंकि भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर परफेक्ट आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे धर्म के अनुसार उनको व्यक्ति को राज्य चलाना चाहिए, वो उदाहरण सेट करें। तो टेक्स्ट 17 से हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।